नमस्ते दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आज की कहानी ट्रू फ्रेंडशिप यानी कि सच्ची दोस्ती पर ली गई है। ये दो दोस्तों की कहानी है। इसमें बताया गया है कि एक सच्चा दोस्त हमेशा कैसे साथ देता है। इन दोनों के बीच की अनदेखी बातें, मस्ती और सहयोग आपको आपके अपने दोस्तों के साथ जुड़ने के लिए प्रेरित करेगी। इस कहानी के जरिए हम आपको यही बताना चाहते हैं कि दोस्तों पर भरोसा करना चाहिए, हमेशा अपने दोस्त के साथ खड़े रहना चाहिए, उसके सुख में दुख में कभी भी साथ नहीं छोड़ना चाहिए। ईशान और आयुष एक साथ एक स्कूल में एक ही क्लास में पढ़ते थे। वो दोनों बहुत पक्के दोस्त थे, हमेशा एक साथ रहते थे, एक दूसरे के बिना कहीं नहीं जाते थे। फिर एक दिन दोनों दोस्त झील के किनारे बातें करते हुए जा रहे थे। फिर अचानक किसी बात को लेकर दोनों दोस्तों में बहस हो गई और थोड़ी सी ही कहासुनी में ईशान ने आयुष को थप्पड़ मार दिया। थप्पड़ लगने के बाद आयुष ने कुछ नहीं कहा, बस नीचे पड़ी रेत पर लिख दिया, मुझे चोट लगी है क्योंकि आज मेरे दोस्त ने मुझे थप्पड़ मारा है, और दुखी होकर वहां से चला गया। बाद में ईशान को भी बहुत दुख हुआ और मन ही मन सोचने लगा कि आज मैंने ठीक नहीं किया। वो मेरा सबसे अच्छा दोस्त है और मैंने उसी पर हाथ उठा दिया। दुखी होकर वो भी वहां से चला गया। 4 दिन तक दोनों बिल्कुल मिले भी नहीं। 5वें दिन दोनों ने मिलने का सोचा और मिलकर दोनों खुश तो थे, पर उस दिन की बात से दुखी भी थे। फिर उन दोनों ने नदी में नहाने का प्रोग्राम बनाया और दोनों नदी में नहाने चले गए। नदी में नहाते नहाते आयुष का पैर गहरे पानी की ओर फिसल गया और वो डूबने लगा। जब ईशान ने उसे डूबते हुए देखा तो अपनी जान के बारे में न सोचते हुए आयुष को बचाने के लिए झट से उस गहरे पानी में कूद गया और आयुष को बचाने में लग गया। बहुत कठिनाइयों के बाद आखिर में ईशान ने आयुष को पानी से बाहर निकाल लिया। बाहर आने के बाद आयुष ने पत्थर पर लिखना शुरू किया, आज मुझे मेरे सबसे अच्छे दोस्त ईशान ने अपनी जान पर खेलकर मेरी जान बचाई। तभी ईशान ने आयुष से पूछा, जब मैंने तुम्हें थप्पड़ मारा तो तुमने रेत पर लिखा, और अब जब मैंने तुम्हें बचाया तो तुमने पत्थर पर लिखा, ऐसा क्यों? इस पर आयुष ने जवाब दिया, जब लगे कि दोस्त से कोई गलती हुई है, उसने हमें कोई चोट पहुंचाई है या हमें किसी बात का बुरा लगे, तो अच्छा होगा कि हम रेत पर लिख दे, क्योंकि ये हवा के साथ मिट जाएगा। लेकिन जब आपका दोस्त आपके साथ कुछ अच्छा करे तो हमेशा पत्थर पर लिखे, ताकि इसे हमेशा याद रखा जा सके। ये तो थी ईशान और आयुष की एक छोटी सी कहानी। लेकिन हमारे असल जिंदगी में भी दोस्तों, जहाँ दोस्ती होती है वहाँ प्यार होता है, वहाँ थोड़ी बहुत बहस लड़ाई भी होती है। यदि उस बात को हम अपने दिल पर लगा ले तो फिर दोस्ती या कोई भी रिश्ता कैसे चल पाएगा? एक दोस्त आपसे लड़ भी सकता है और आपके लिए लड़ भी सकता है। एक तरफ आप उसकी गलती को नज़रअंदाज करें तो दूसरी तरफ उसकी अच्छाई को हमेशा याद भी रखें। सच्चे दोस्त बहुत किस्मत वालों को मिलते हैं, इसलिए हमेशा अपने दोस्तों के साथ प्यार से रहे। अगर वो गुस्सा करे या कुछ बुरा भला भी ज़्यादा बोल दे तो उसकी बात का बुरा ना माने। एक सच्चा दोस्त हमेशा आपकी भलाई ही चाहेगा, फिर चाहे उसके लिए उसे बुरा बनना पड़े, वो आपको सही राह में लाने के लिए बुरा भी बन जाएगा, पर आपका साथ कभी नहीं छोड़ेगा।